हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योगी सैम स्टडी की एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने से पहले आपको किरचॉफ के नियम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने अच्छी तरह से बताया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों को संयोजित कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात मान के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए चार प्रतिरोधों को संयोजित कर एक विशेष प्रकार का परिपथ बनाया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम पर जिसे व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये व्हीटस्टोन सेतु का चित्र या व्हीट इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, ठीक है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें चार प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, जिनमें से तीन का मान जो है हमें पता होता है और एक का मान हमें ज्ञात करना होता है। संरचना देखें तो प्रतिरोध पी और क्यू श्रेणी क्रम में तथा आर व एस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तथा फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इस बी और डी ब्रिगेड में एक धारामापी लगा होता है, ठीक। यहाँ समझने वाली बात देखो, जब यहाँ से धारा आई आ रही है तो किरचॉफ के प्रथम नियम से इसमें आई वन, इसमें धारा गई, इसमें धारा जाएगी, तो माने इसमें आई वन गई, इसमें आई टू गई, ठीक। जब यहाँ से आई वन धारा जाएगी तो यहाँ से दो भागों में बट जाएगी, ठीक। इसमें चली गई आई वन आई जी, मान हमने जो गैल्वेनियम मीटर है उसका प्रतिरोध जो है आर जी है, तथा इसमें जो प्रवाहित धारा आई जी है, ठीक है। जब हमारे जो प्रतिरोध है क्यू, इसमें कौन सी तार प्रवाहित होगी, तो आई वन माइनस आई जी, ठीक है। क्यू में जो धारा प्रवाहित होगी आई वन माइनस आई जी, ठीक है। इसी और आर जो है, आर में धारा प्रवाहित हो रही है आई टू, ठीक है। जो यहाँ पे जो है आई जी धारा आ रही है डी बिंदु पे और आई टू आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आई टू प्लस आई जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें धारा का विक्षोभ ना हो, ठीक है। धारा की दिशा को इंगित ना करे या गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ ना हो, तो उसे हम व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं, ठीक है। संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सूत्र होता है पी पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस, ठीक है। या कहें कि पी एस बराबर क्यू आर, पी एस का गुणनफल बराबर हो क्यू आर के, तो उसे हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। जैसे P और S का गुणनफल तथा R और Q का गुणनफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक। इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं, ठीक। अब किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोध पी में आई वन धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आर में प्रतिरोध आर में आई टू प्रवाहित हो रही है। बात करें आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो हमने माना आर जी है, ठीक है। तो उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आई जी, ठीक है। बात करें क्यू की, क्यू प्रतिरोध में कौन सी धारा प्रवाहित होगी,
तो बिंदु बी पर I1 धारा आ रही है, यानी I1 जो है आने वाली धारा, ठीक है। और जो IG तथा Q में जो धारा जाएगी वो जाने वाली धारा, तो I1 माइनस IG ये कौन सी धारा हो जाएगी, प्रतिरोध क्यू में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है। I1 माइनस IG किस में प्रवाहित होगी, क्यू में, ठीक है। बात करें एस की, तो एस में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, तो बिंदु डी पे I2 आ रही है तथा IG आ रही है, तो I2 और IG का जो योग होगा वही धारा जो है एस में प्रवाहित होगी, ठीक है। लूप बने हुए देखें तो पी में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, ठीक है, और जो आर में I2 है, और जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है वो RG में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से यानी कि KVL से I1 P माइनस I2 R प्लस IG RG, ठीक, बराबर 0। इसी प्रकार द्वितीय, इसी प्रकार दूसरे लूप में क्यू में धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 माइनस IG, ठीक, और एस में I2 प्लस IG, और जो RG है उसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है, माइनस जो है धारा की विपरीत दिशा में चलने पर यहाँ पर क्या आया, माइनस आया, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0। इसे समीकरण 2 नाम दे देती हैं, उसे समीकरण 1 नाम दे देती हैं, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है जब संतुलन की अवस्था में हो, यानी कि धारा मापी में कोई विक्षोभ ना हो, ठीक है, तो IG बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में IG बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0, ठीक है। जब I2 आर को उधर ले जाएंगे तो I1P बराबर I2 आर, ठीक है। इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं, समीकरण 2 में IG बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, I1 इंटू क्यू माइनस I2 इंटू एस बराबर 0, ठीक है। जब I2 इंटू एस को पक्षांतरण करेंगे तो I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, इसे समीकरण 4 नाम दे देते हैं, ठीक है। और समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे समीकरण, समीकरण बन क्या है हमारा, I1 इंटू पी बराबर I2 आर, ठीक है। और नंबर 4 है I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू एस, ठीक है। जिसमें भाग देंगे तो क्या होगा, I1 इंटू पी बट्टे I1 इंटू क्यू बराबर I2 इंटू आर बट्टे I2 इंटू एस, ठीक है। तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P/Q बराबर R/S, ठीक है। माना अज्ञात